एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। मेरा नाम अश्विन बख्शी है, खंडवा से इंदौर और इंदौर से खंडवा के लिए चलने वाली नफीस ट्रेवल्स की बसों की बहुत स्थिति खराब है। इस संबंध में मैंने 28 अप्रैल को RTO में एक शिकायत करी थी, जिसके बाद अभी तक भी मुझे लगता है कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। 26 तारीख को मैंने परिवार समेत इंदौर से खंडवा की यात्रा की थी। उस दौरान इंदौर में बस जो है 3:30 बजे निकलने वाली थी, पर खराबी के कारण 4 बजे बस आई। उसके बाद में रास्ते में एक बार धुआं निकला उसमें से, तो सभी यात्रियों ने शिकायत करी। बस का जो ड्राइवर था उसने बस की जाँच करी और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठ जाइए। फिर उसके बाद हम लोग बस में बैठ गए। उस टाइम में बस में कम से कम 40 से 45 यात्री होंगे, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग थे। रास्ते में एक ढाबा होता, वहाँ पे कम से कम 20 मिनट उसने बस को रोके रखा और उसके बाद में कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चलो। सभी लोग बैठ गए उनके विश्वास में आके। उसके बाद में ये बस 7:30 बजे खंडवा पहुँचती है, पर बस इतनी धीरे चल रही थी कि मतलब दूसरी जो लोकल बसें हैं, टेम्पो हैं, जो दूसरे लोडिंग वाहन होते हैं, वो सब इससे आगे निकलते जा रहे थे। और रात को लगभग 8:30-9 बजे देसगांव के घाट पे जाके ये बस बंद हो गई और बस में बहुत खतरनाक तरीके से धुआं हो गया। सभी यात्री घबरा गए और रात में उतरे, नीचे उतरे तो तेज़ हवा, आंधी, बारिश हो रही थी। जैसे तैसे साधन उन्होंने ढूंढा और उसके बाद खंडवा तक आए। और उस दौरान बस के जो ड्राइवर थे उनसे पूछा कि भाई इसका परमिट बता दो, फिटनेस बता दो, लाइसेंस बता दो, तो उन्होंने कहा बस में नहीं है, ये मालिक के पास है। और ऐसा करके थोड़ा सा उन्होंने लोगों से बदतमीजी टाइप से की और फिर सभी लोग अपने अपने घर आ गए। इसके बाद मैंने 28 तारीख को परिवार समेत RTO खंडवा में जाके इसकी शिकायत करी। RTO ने मेरे सामने उनको फ़ोन भी लगाया और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए और दिखाने के लिए कहा कि अगर बस के फिटनेस परमिट, AC वगैरह का जो प्रमाण पत्र है वो सभी लाकर दिखाइए। और इसके बाद मुझे लगता है कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी है आज जो बस ख़राब हुई है और यात्रियों को परेशानी हुई है। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और अधिकतर इसके पहले कुछ घटनाएं हो चुकी है कि बस के AC में आग लगने से कुछ जानमाल की हानि हुई है। उसी संबंध में मैंने एक शिकायत पत्र दिया था, पर मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जाँच भी बहुत ज़रूरी है। चाहिए जैसे कि नफीस बस है, आप देखिए वो कैसी चलती है, उसका लोग उस पर मन मर्जी किराया देते हैं, उसके बाद भी वो कहीं बार रास्ते में खड़ी हो चुकी है और वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन मौन है, RTO साहब मौन है और सभी लोग मौन है, इसमें राज्य सरकार दोषी है। और आप देखिए कहीं ना कहीं अदर प्रदेश से जो बसें आती है उन पे तो यहाँ के प्रशासन का कोई शिकंजा ही नहीं है। जैसे राजस्थान की बसें आती हैं, जैसे महाराष्ट्र की आती हैं, तो उन लोगों को तो कोई चेकिंग नहीं करता, वो अंधाधुंध चल रही हैं और बहुत सारी इसमें कमियां हैं। इसको प्रशासन को इसमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो सीधा सीधा किसी का परिवार उजड़ता है। तो इन चीज़ों को शासन प्रशासन पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।